ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मंडियों में प्लॉट्स की उपलब्धता आम जन तक पहुंचाई जाए तथा इनकी ऑनलाइन बिक्री के लिए सॉफ्टवेयर विकसित की जाए। वो आज विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में कृषि किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मुख्य प्रशासक सुश्री सुमेधा टियारा भी उपस्थित थी। कृषि मंत्री ने कहा कि शहरों की श्रेणियों के अनुसार मंडियों की ए बी सी व डी श्रेणी बनाकर इनमें उपलब्ध प्लॉट बिक्री के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए तथा महीने में कम से कम दो बार ई निविदाएं मांगी जाए तथा ई निविदाओं को तत्काल स्वीकृत प्रदान करने के लिए उच्च अधिकारियों की एक कमेटी गठित की जाए। प्लॉट्स के आरक्षित मूल्य कलेक्टर रेट से कम रखे जाएं। इसी प्रकार बोर्ड के जितने भी विवादित मुद्दे चाहे वह विभाग के उच्च अधिकारियों के पास हो या अदालतों में किसी अन्य स्तर पर लंबित हैं, सभी के समाधान के लिए एक मुश्त निपटाना योजना भी तैयार की जाए। जनहित के लिए बोर्ड को एक सफल उपक्रम के रूप में सुलभ तरीके से चलाना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो संदीप कुमार की रिपोर्ट।